हेलो एवरी वन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ हिस्ट्री की बुक का चैप्टर सिक्स टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस तो वट वुड अ ट्रैवलर विजिट अ मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड तो एक जो ट्रैवलर ट्रेवलर है मतलब एक पर्सन जो कि ट्रैवल कर रहा है घूम रहा है एक मेडिवल टाउन में एक पुराने शहर में तो वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा ये डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरीके का होगा वो टेम्पल टाउन होगा मतलब वो मंदिरों का शहर होगा या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा मतलब राजा वगैरह या फिर वहाँ की सरकारी काम होता होगा वहाँ पर कॉमर्शल टाउन होगा या फिर पोर्ट टाउन होगा मतलब यहाँ पर व्यापार होता होगा या तो वहाँ पर तो नेम से हम लोगों को पता लग जाता है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कि अच्छा इस चीज़ के लिए ये वाले, ये वाले जगह का इस्तेमाल किया जाता होगा या फिर ये काम यहाँ पर ज्यादा होता होगा कहीं पर मंदिर ज्यादा होंगे तो लोग वहां पर तीर्थ यात्रा करने आते होंगे कहीं पर अगर व्यापार ज्यादा होता होगा तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे व्यापारी होंगे है ना बिजनेसमैन ज्यादा होंगे तो इस तरीके से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं इन फैक्ट काफी सारे जो टाउन्स होते थे ना एक जैसे कि एक ही शहर में बहुत सारे टेम्पल्स भी होते थे और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होते थे कॉमर्शियल सेंटर्स भी होते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था मतलब एक पर्टिकुलर शहर में भी सारे के सारे काम हो सकते थे है ना ऐसा भी हो सकता था जैसा आजकल के शहर होते हैं हर चीज होती है आजकल के शहरों में तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट जगहें थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैसे कि सूरत हो गया हम्पी हो गया पटनम हो गया यहाँ पर काफ़ी क्या होते थे ट्रेड सेंटर्स थे ये ट्रेड सेंटर्स थे और आर्टिशंस के सेंटर्स थे सूरत में डायमंड की क्राफ्टिंग होती थी है ना मसूली पटनम में यहाँ पर व्यापार काफ़ी अच्छा होता था मतलब एक जगह इंडिया से बाहर भी सामान भेजा जाता था इन जगहों से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स अब हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कल्चरल सेंटर टिकेट टेम्पल से रिलेटेड इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से देखेंगे हम लोगों ने चैप्टर टू में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था तो लेट्स ट्रैवल इन और इमेजिनेशन टू थानजावर तो हम लोग अपनी इमेजिनेशन में सोच करके चलिए थानजावर चलते हैं थाांजावर जो थी ना वो कैपिटल्स थी चोला की लगभग एक हजार साल तक इट वॉज़ अ थाउजेंड ईयर्स अगो और ये जो थी ना लगभग आज से कई हज़ार साल पहले हमारे टाइम से रही है और कैपिटल थी किसकी ये इंपॉर्टेंट है कि थानजावुर चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी पेरेनियल रिवर पेरेनियल रिवर का मतलब होता है जो रिवर जो नदी 12 महीने बहती है जैसे कि गंगा यमुना और साउथ में कावेरी यहां पर बहती थी इस ब्यूटीफुल टाउन के पास कावेरी नदी बहती थी यहां पर आप लोग राजराजेश्वर राजेश्वर टेम्पल का राजेश्वर टेम्पल हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि किंग राज, राज चोल ने बनवाया था वहां पे हम इस टाउन में एंटर करेंगे तो हमें घंटियां भी सुनाई दे जाएंगी राजेश्वर राज टेम्पल में जो बज रही होंगी टाउन के लोग जो मतलब शहर के लोग आर ऑल प्रेस फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजमल्लम राज राजा पेरुथ चनम हु वॉज प्राउडी काव्ड हिज नेम ऑन द वॉल इट इज असिव शिवलिंग तो मतलब वहां पर वो प्रेस कर रहे होते हैं उस आर्किटेक्ट की तारीफ़ कर रहे होते हैं जिसने इतना खूबसूरत ये मंदिर बनाया है और मैसिव शिवलिंग भी बनाया है वहाँ पर काफ़ी बड़ा शिवलिंग बनाया है बिसाइड्स द टेम्पल टेम्पल के अलावा देयर आर प्लेसि विद मंडप्स और पवेलियंस पवेलियंस मतलब एक तरह से रस्ते होते हैं जाने के लिए किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स वो जो मंडप्स थे इलाके थे मतलब एरिया था वहां पर किंग अपना कोर्ट लगाते थे कोर्ट मतलब जैसे कि अपना दरबार लगाते थे अपने ऑर्डर्स इशू करते थे कि कैसे कैसे काम करना है देर आर ऑल्सो बरैक्स ऑफ आर्मी आर्मी के बरैक्स भी होते थे आर्मी के बरैक्स का मतलब है कि आर्मी वहाँ पर इकट्ठा होकर के भी रुकी होती थी और जैसे कि अटैक करना है अपने देश को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए होती थी टाउन इज बसलिंक विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन सब टाउन में मार्केट्स भी होते थे जो अनाज बेच रहे होते थे मसाले कपड़े जूलरी ये सारी की सारी चीज़ें बेच रहे होते थे आज के टाउन्स भी ऐसे ही होते हैं आजकल के शहर है ना और सलिया दस और वहाँ पे क्या होता था वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स तो वेल्स uh, कुओं से टैंक्स वगैरह से शहरों के लिए पानी आराम से भेज दिया जाता था सलिया वीवर ऑफ थानजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरियर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स फॉर फ्लैग्स टू तो बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल ठीक है तो जो सलिया है वो वीवर हैं मतलब कपड़े बुनने वाले हैं थानजावुर के पास के रहने वाले हैं और थानजावुर में और उरियर था ठानजावर और उर आसपास के टाउन्स हैं उनके लिए मतलब झंडों के लिए कपड़ा ये बना रहे हैं क्योंकि एक कोई फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए फ़ाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस फाइन कॉटन एकदम अच्छा सा कॉटन जो है कॉटन का कपड़ा किंग के लिए नोबिलिटी के लिए मतलब बड़े लोगों के लिए और कोर्स कॉटन मतलब थोड़ा सस्ता कॉटन ये बना रहे हैं आम लोगों के लिए सम डिस्टेंस अवे एट सवई मलई द स्थापितिज और स्कर्पचर्स आर मेकिंग एक्सिक्विट एक्सिक्व ब्रॉन्स आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स और देखिए थोड़ी ही दूरी पर जो है, जो है स्वामी मलई द स्थापिति मतलब जो स्कर्पटर्स थे ना स्कॉपियोस होते हैं जो मूर्तिकार मूर्तिकार को स्क्योर्स कहते हैं तो ये स्कॉर्पियस बनाने का काम कर रहे हैं ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ ठीक है आइडल्स होती हैं मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बेल्स मूर्तियाँ ये ब्रॉन्ज की बना रहे हैं तांबे की अब आता है टेम्पल्स टाउंस इंड पिलग्रमेज सेंटर टेम्पल टाउन्स क्या होता है थानजावर इज़ ऑल्सो नो एज़ अ टेम्पल टाउन थाांजावर को हम टेम्पल टाउन भी कहते हैं टेम्पल टाउन रिप्रजेंट करता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न अर्बनाइजेशन का अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण शहरों के बसने का किस तरीके से शहर बसते हैं ये हमें टेम्पल टाउन से पता लग जाता है प्रोसेस जिससे सिटीज डेवलप होती हैं ठीक है वो हमें समझ में आ जाता है अर्बनाइजेशन क्या होता है द प्रोसेस बाई विच सिटी डेवलप्स टेम्पल्स वर अफ़न सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी टेम्पल्स जो है ना वो सेंट्रल होते थे मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे इंसान की जिंदगी का और पैसे से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी कैसे अब देखते हैं रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज़ रूलर्स जो होते थे ना वो कई सारे टेम्पल्स बनाते थे अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए अलग deities, अलग डेटीज़ अलग अलग भगवान के लिए वो टेम्पल्स को काफ़ी सारे मतलब लैंड ज़मीन दिया करते थे पैसा दिया करते थे ताकि बड़े बड़े रिचुअल्स वगैरह हो सके होते हैं ना धर्म अनुष्ठान वगैरह हो सके और फीड कर सके पिलग्रम्स को मतलब जो तीर्थयात्री आए उनको खाना खिलाया जा सके प्रीस्ट वगैरह जो है वो सेलिब्रेट कर सके फेस्टिवल इकट्ठा हो जाते थे टेंपल के पास और वहां पर डोनेशन मतलब दान वगैरह भी दिया करते थे वेक्स अब वेक्स ये है, आप देखते हैं कि क्या होती थी तो ब्रॉन्ज इज एन कंटेनिंग कॉपर एंड टिन तो ये हम लोग साइंस में पढ़ते हैं साइंस में पढ़ेंगे भी आप लोग ब्रॉन्स जो है ना वो कॉपर और टिन से मिलकर के बना हुआ होता है बेल मेटल contains a greater proportion of टन अदर देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्स तो जो बेल बनती है ना घंटी बनती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें ब्रॉन्स में टिन काफ़ी ज़्यादा मिला होता है ताकि उससे साउंड प्रोड्यूस हो सके तो टिन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है ना इसलिए जो घंटियाँ बनती हैं उसमें क्या होता है ब्रॉन्ज में टिन काफ़ी ज्यादा मिला होता है चोला स्टैचू हम लोग को दिखते हैं चोला स्टैचू जो है ना वो लॉस्ट वैक्स टेक्नीक से बनाए जाते हैं देखिए कितने खूबसूरत स्टैचू ये लोग बनाते थे चोला का जो लॉस्ट वैक्स टेक्नीक है उसमें क्या होता था आप लोगों को इमेजिन करना है फर्स्ट इन इमेज वर्स

एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर जैसे कि आपने अंदर वैक्स थी ना ठीक है वैक्स के ऊपर आपने मिट्टी लगा दी मिट्टी ने फिर वैक्स जो वैक्स की शेप थी वही मिट्टी ने उसकी शेप अपनी ले ली फिर आप उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे फिर आप उसको गर्म करेंगे जब गर्म करेंगे ना आप तो आप जो वैक्स है ना मतलब आप जो मिट्टी है आपकी बाहर लगी हुई है उसमें एक आप छेद सा कर देंगे जब आप छेद कर देंगे ना तो मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन आउट थ्रू द होल तो वैक्स जो है ना वो इस होल से बाहर की तरफ निकल जाएगी देन मोल्टन वैक्स वॉज पोड इन टू द कले मोल्ड

मिट्टी का लेप लगा दिया सूखने दिया सूखने के बाद आपने उसको गर्म किया गर्म करने से पहले आपने वो जो मिट्टी का ढांचा टाइप का आपने बना दिया था उसके ऊपर उसमें एक छेद कर दिया फिर जब आप गर्म करेंगे तो आपको पता है मोम पिघल के निकल जाएगी उस छेद में से अब उसी छेद की हेल्प से आप पिघली हुई कोई मेटल जैसे कि ब्रॉन्ज उसमें डाल देंगे फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो वो जो ब्रॉन्ज थी वो बिल्कुल मिट्टी का जो ढांचा था ना उसकी शेप की वो बन जाएगी फिर हम मिट्टी उतार देंगे उसकी पॉलिशिंग सफाई कर देंगे और इस तरीके की खूबसूरत सी आप पिक्चर बना सकते हैं तो ब्रॉन्ज़ स्टैचू ऑफ कृष्ण सबड्यूइंग द सर्पेंट डीम कालिया तो कालिया को कृष्ण जो है कालिया को दबा रहे हैं मतलब लड़ रहे हैं उससे उसके बारे में तो टेम्पल्स अथॉरिटीज़ जो होती थी ना यूज़ देयर वेल टू फाइनेंस ट्रेड इंड बैंकिंग तो टेम्पल्स पर क्योंकि बहुत ज़्यादा दान वगैरह आता था तो वो ट्रेड व्यापार को फाइनेंस करते थे बैंकिंग लोगों को जैसे कि पैसे उधार वगैरह भी दिया करते थे मतलब जैसे ज़रूरत के लिए लोगों को पैसे दिया करते थे ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर्स आर्टिस्ट एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नीयर द टेम्पल टू केटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रम्स तो धीरे धीरे क्या होने लगा टेम्पल के आसपास जो वहाँ के पंडित थे वो भी उसके आसपास रहने लगे आर्टिस जैसे कि डांसर्स डांस करा करते थे और जो माली हो गया बगीचा वगैरह देखने वाले क्योंकि गार्डेंट मतलब फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को तो पास में बगीचा होना चाहिए उन पर माला चढ़ाई जाती है है ना फिर आर्टिस अच्छे से साफ़ सफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के जो है लोग वहाँ पर मंदिरों के आसपास रहने लगे द टेम्पल दस ग्रू टेम्पल टाउन्स तो टेम्पल टाउन्स बनने लगे कोई बहुत बड़ा आपने मंदिर बनाते हैं उसके लिए आपको पुजारी चाहिए वहाँ पे लोग आएंगे अब लोग आएंगे तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे तो प्रसाद के लिए लोग साइड में बैठ गए फूल चढ़ाएंगे तो फूल बेचने के लिए बैठ गए फिर बच्चे आते हैं बच्चों को कुछ चीज़ें खरीदनी होती है खेलना होता है तो इस तरीके से ना एक मंदिर के आसपास पूरी की पूरी इकोनमी डेवलप हो जाती है बहुत ज़्यादा व्यापार वहाँ पर होने लगता है टाउन्स एमर्ज अराउंड टेम्पल्स सच एज़ दोज ऑफ भिल्ल स्वामी भिल्स और विदिशा इन मध्य प्रदेश ठीक है तो टाउन्स ब, मतलब कई कई इलाकों में जैसे कि मध्य प्रदेश के विदिशा में भी टाउन टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए सोमनाथ के गुजरात में भी टेम्पल टाउंस डेवलप हुए क्योंकि ये जो मंदिर थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और इनके आसपास शहर बस गए अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम मदुरई तमिलनाडु में और तिरुपुर तिरुपति इन आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी में कितने ज़्यादा लोग जाते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है है ना तो उसके आसपास के इलाके डेवलप होने लगते हैं पिलग्रिम सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप इन टाउनशिप और पिलग्रिम सेंटर पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्रा तो पिलग्रिमेज सेंटर्स जो थे वहाँ पे टाउन्स बनने लगे जैसे कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में खूब बड़े शहर बन चुके हैं तिरुवनमलई जो है तमिलनाडु में ये एग्जांपल्स हैं इस तरीके के टाउन्स के वृदावनपुर का बुरा शहर ही बस गया क्योंकि लोग वहाँ पर खूब आते थे तिरुवर है ना तो इस तरीके से हम देखते हैं फिर हम अजमेर को देखते हैं राजस्थान में जो कि कैपिटल थी चौहान किंग्स की ट्वेल्थ सेंचुरी में लेटर वो सूबा हेड क्वार्टर बन गया मुगल्स के अंडर मतलब अजमेर शरीफ़ की दरगाह पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं है ना और फिर वहाँ पर हम लोग को एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल जो रिलीजियस को का दिखता है कि हिंदुओं के भी हैं और इस्लाम धर्म का भी वहाँ पर हम लोगों को प्रचार प्रसार देखने के लिए मिलता है ख्वाजा मुहीदु जो थे वो सेलिब्रेटेड सूफी संत थे मतलब काफी ज्यादा इनको माना जाता था जिनके बारे में हम ए चैप्टर में पढ़ेंगे वो यहाँ पर सेटल्ड हो गए ट्वेल्थ सेंचुरी के बाद आकर के और काफ़ी सारे लोग जो हैं अब वहाँ पर इनके इनको वही ना प्रेयर करने जाते हैं डिवोटीज़ फ्रॉम ऑल क्रीव हर जगह के लोग इनके दरबार पे आते थे इनकी दरगाह पर आते थे इनसे मन्नत मांगने के लिए नियर अजमेर इज़ अ लेक अजमेर अजमेर जो शहर है उसके पास एक लेक है पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रम्स फ्रॉम एंशंट टाइम्स तो पुष्कर लेक है वहाँ पर अजमेर के पास जिसके मतलब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं अब आता है अ टाउन ऑफ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स छोटे छोटे टाउन्स छोटे छोटे शहर किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ने लगे फ्रॉम एट्थ सेंचुरी ऑनवर्ड्स एज एट्थ सेंचुरी के बाद सब कॉन्टीनेंट वॉज डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन्स तो एट्थ सेंचुरी के बाद सब कॉन्टीनेंट जो इलाका था मतलब वहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स बसने लगे थे प्रोबेबली एमर्ज फ्राम लार्ज विजेस मतलब बड़े बड़े विलेज हो गए फिर उसमें से ही टाउन निकल के आने लगे दे यूजली हैड मंडीका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स टू विच नियर बाय विजेस बॉर्ड देयर प्रोड्यूस टू सेल तो मंडी होती थी हर गाँव में मंडी होती है हर शहर में मंडी होती है तो जो आ, किसान वगैरह अपने उगाते थे वो मंडी में आकर के बेच दिया करते थे ये होता था फिर उसके बाद दे ऑल्सो हैड द मार्केट स्ट्रीट्स कॉल हाट हाट होते हैं ना हाट लगते हैं जहाँ पे सबको सामान मिल जाता है वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें होती थी और वहाँ पे आराम से व्यापार अपना करते थे इसके अलावा काफ़ी सारे आर्टिस भी हम लोगों को स्ट्रीट्स पर दिख जाते थे जैसे कि पॉटर्स जो घड़े बनाते हैं ऑयल प्रेसर्स तेल निकालने वाले शुगर मेकर्स जैसे गुड़चीनी बनाने वाले टॉडी मेकर्स मतलब वो होते ना टॉडी वगैरह थोड़े नशे वगैरह चीज़ें और इसमें स्टो मतलब हर तरीके के सुनार लोहार हर कोई आपको वहाँ पर हाट पर मिल जाएगा आप जो सामान लेना चाहें वो ले सकते हैं वाइल सम ट्रेडर्स लिव इन टाउन्स अदर ट्रैवल्ड फ्राम टाउन टू टाउन कुछ ट्रेडर्स जो थे वो एक ही शहर में रहा करते थे बट कुछ थे जो एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे अपना सामान बेचने के लिए जैसे मेले लगते हैं मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाई लोकल आर्टिस्ट आर्टिकल्स इन सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस लाइक हॉट सॉल्ट कैम्फर सेफ्रॉन तो देखिए क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने इलाके का सामान दूसरे इलाकों में बेचते थे जैसे कि घोड़े बिकते थे नमक बिकता था कैम्फर कपूर बिकता था सेफ्रॉन होती है ना केसर बिकता था और ये सारी की सारी पेपर मसाले वगैरह इन बाजारों में बेचे जाते थे ये देखिए टेम्पल टाउन मतलब किस तरीके से हार्ट लग रहा है अलग अलग लोग यहाँ पर व्यापार करने आए हैं ये इसकी एक पिक्चर है यूजली सामंत और इन लेटेंट टाइम ज़मींदार सामंत ही ज़मींदार बन गए थे बाद में कि मतलब ज़मीनों के मालिक हैं आप लोग हमें रेंट पे करो इस तरीके से काफ़ी फोर्टिफाइड प्लेसेस बनाते थे इन और नियर दीज टाउंस मतलब टाउन्स के आसपास काफ़ी मतलब एक तरीके से इसको वॉल से घेर करके इन इलाकों को रख देते थे ताकि अटैक वगैरह ना हो प्रोटेक्ट करने के लिए दे लेवीड टैक्सेज ऑन ट्रेडर्स जो व्यापारी होते थे उन पर वो टैक्स लगाते थे आर्टिजन आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेज टू लोकल टेम्पल्स तो इन लोगों ने अपने क्योंकि एरिया को प्रोटेक्ट कर रखा था तो ये टैक्स लिया करते थे उन आर्टिसन से जो कि आया करते थे व्यापार करने और कई बार ही अपना जो राइट है टेंपल्स को दे देते थे, थे कि टेंपल टैक्स कलेक्ट करेगा विच हैड बीन बिल्ड बाय देम और बाय रिच मर्चेंट्स मतलब खुद ने उन्होंने बनाए होते थे मंदिर या फिर किसी और रिच मर्चेंट ने बनाए होते थे तो कई बार टैक्स लेने का अधिकार किसी मार्केट का मंदिरों को भी दे दिया जाता था दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन दैट हैव सर्वाइव टू दिस डे और ये जो राइट्स हैं जो हक दिए जाते थे ना मंदिर को टैक्स कलेक्ट करने के इनको बहुत ही अच्छे से सहेज के रखा जाता था आगे हैं टैक्सेज ऑन मार्केट्स फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द टेंथ सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान राजस्थान का टेंथ सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है वो हमें टैक्स बताता है क्या क्या होता था दे वर टैक्सेज इन काइंड ऑन जैसे कि शुगर एंड जेगरी और डाइज वगैरह ये सब टैक्स लिए जाते थे ठीक है बिसाइड्स इस टैक्स के अलावा ट्रेडर्स पे भी टैक्स लगते थे और मेटल्स गो, गो मतलब जैसे कि मेटल्स वगैरह जो बेच रहे हैं उन पे भी लगते थे तो अलग अलग कैटल फॉर्डर अलग अलग प्रकार से टैक्स लिया जाता था जैसे गुड़ के रूप में टैक्स ले लिया और डाई के रूप में जो मतलब आप काम कर रहे हो उसके रूप में आपने टैक्स ले लिया प्रेजेंट आजकल टैक्स तो ज़्यादातर मनी के फॉर्म में ही लिया जाता है अदर क्या अब तो मनी के फॉर्म में ही टैक्स लिया जाता है अब आता है ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल बड़े और छोटे व्यापारी देयर आर मेनी काइंड ट्रेडर्स कई तरीके के ट्रेडर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इनमें बंजारे होते थे बंजा चैप्टर सेवन में हम लोग देखेंगे कि बंजारे जो है वो जंगलों में घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार किया करते थे काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते थे स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म एसोसिएशन विद हेडमैन हू नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस तो हॉर्स ट्रेडर्स होते थे कि मतलब एक हेडमैन होता था वो एक तरह से होता है ना डीलर टाइप का होता है वो डील करता था फिर बाकी सारे लोग उसको बेच दिया करते थे ट्रेडर्स को काफ़ी सारे किंगडम से काफ़ी सारे इलाकों से जंगलों से पास करना होता था इसलिए वो लोग कारावान में ट्रैवल करते थे मतलब ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट और गिल्ड फॉर्म करते थे अब गिल्ड क्या होता है गिल्ड एक तरीके से ग्रुप होता है जैसे कि आजकल की एसोसिएशन होती है ना कि हम लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे कोई हमारे साथ गलत ना करे इस तरीके से गिल्ड पहले ज़माने में बना लिए जाते थे जैसे कि आज की एसोसिएशन होती हैं कि भाई ये आ, ट्रेडर्स का ट्रेडर्स एसोसिएशन है ये फार्मर्स एसोसिएशन है इसी टाइप से कि हम लोग इकट्ठा होकर के अपनी डिमांड रखेंगे और अपनी मांगें पूरी करवाएंगे देवर सेवरल सर्च गिल्ड्स इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया में इस तरीके के गिल्ड्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं एटीन सेंचुरी के बाद मोस्ट फेमस बीक मनी ग्रामम एंड नंद देसी ग्रामम और नंद देसी काफ़ी इंपॉर्टेंट गिल्स हैं ये गिल्स ट्रेड करते थे काफ़ी ज़्यादा अपने देश में ठीक है पेनसिला में भी साउथ ईस्ट एशिया में भी और चाइना में भी मतलब ये जो ग्रामम uh, और नाना देसी है ना ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार किया करते थे अब आता है देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज काफ़ी सारी कम्यूनिटीज़ थी जैसे कि चेतरी और मारवाड़ी ओसवाल वो हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स व्यापार के ग्रुप बन गए हमारे देश में गुजराती ट्रेडर्स जैसे कि हिंदू बनियाज हो गए मुस्लिम भोरा हो गए है ना और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कास्ट ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट किया तो आपसे आपको नाम बताने पड़ेंगे कि चेत्री और मारवाड़ी ओसवाल ठीक है ये हो गया फिर गुजरात में एक हिंदू बनिए बहुत ट्रेड करते हैं और मुसलमानों में भोरे बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे पहले ज़माने से ही ये ट्रेड कहाँ कहाँ होता था अलग अलग देशों के साथ जैसे हमने देखा चाइना के साथ भी होता था रेड सी पर्शियन गल्फ ईस्ट अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना ये इलाकों के नाम आपको याद रखने हैं रेड सी जो है वो हमारा वेस्ट एशिया वाले रीजन में पड़ता है अरेबियन पेनसुला है ना वहाँ पर पड़ता है तो ये इलाके इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या बेचते थे टेक्सटाइल कपड़े बेचते थे मसाले बेचते थे है ना और इनके एक्सचेंज में क्या क्या मिलता था गोल्ड सोना मिलता था क्योंकि हमारे देश में सब होता था हम लोग तो सोना ही लेकर के आते थे दूसरे देशों से क्योंकि हम सिर्फ बेचने जाते थे वो हमसे खरीदते थे सोने के रूप में तो ज़्यादातर हम लोग जो है हमारे देश में सोना आता था आइवरी आता था ठीक है और हमारे देश में सोना बहुत ज़्यादा आता था कहाँ से अफ्रीका से अफ्रीका में सोने की काफ़ी ज़्यादा खजाने हैं तो सोना हमारे देश में अफ्रीका से बहुत ज़्यादा आता था स्पाइसेस टेन चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना तो चाइनीज चाइना की ब्लू पॉटरी सिल्वर भी आती थी साउथ ईस्ट एशिया से चाइना से है ना तो ये सारा का सारा सामान हम लोग व्यापार करते थे काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग देशों से टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब वेस्ट कोस्ट मतलब जो इस तरफ है वहाँ पे अरब लोग रहा करते थे पर्शियन चाइनीज जूस एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स ठीक है यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स रहा करते थे वेस्ट कोस्ट में मतलब हमारा जो वेस्ट कोस्ट है ना वो आप कह लीजिए केरला वाला जो रीजन हो गया महाराष्ट्र गोवा वाला रीजन गुजरात ये सारा वेस्ट कोस्ट में आता है इंडियन स्पाइसिस और क्लोथ्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेड सी के पोर्ट्स में बेचे जाते थे और इटालियन ट्रेडर्स ना इनको काफ़ी ज़्यादा खरीदते थे और इवेंचुअली मतलब सी के थ्रू होते ही मार्केट्स में बहुत ज्यादा के सामान को वहाँ पे पसंद किया जाता था और ये व्यापार कौन करता था ये सारे के सारे अरब लोग व्यापार करते थे क्योंकि यूरोपियंस को ना इंडिया तक आने का रास्ता नहीं पता था उस टाइम तक तो स्पाइस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट स्पाइसेज जो हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होते हैं ट्रॉपिकल मतलब जैसे कि देखिए आप लोगों ने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा कि ये हमारी अर्थ है इसके बीच में इक्वेटर होता है ये ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन पर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर होती है नीचे ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्टिकॉन होती है इसके बीच वाला जो इलाका होता है ना इसको हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं ट्रॉपिक्स में ना जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पर मसाले उगाए जा सकते हैं जैसे कि पेपर सनामम ठीक है ये सारे जिंजर वगैरह नटमैक वगैरह तो यहाँ पर इसलिए तो यूरोप के लोगों को ये मसाले काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे थे इंडिया का कॉटन बहुत अच्छा होता था तो इवेंचुअली इंडिया के ट्रेडर्स जो है काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदते थे और बहुत ही ज़्यादा इंडिया के सामानों की डिमांड थी तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे एट्थ क्लास में हमारा है कि किस तरीके से अंग्रेज और पोर्टुगीज़ वगैरह इन लोगों ने भारत की खोज कर ली इंडिया पहुँच गए और कैसे इन्होंने व्यापार करना शुरू किया और जो अरब ट्रेडर्स थे किस तरीके से इनको पूरी तरीके से यूरोपियंस ने निकाल दिया देश से तो आगे हमें काबुल के बारे में बताया गया है काबुल जो है आज के अफगानिस्तान में प्रेजेंट है ठीक है तो यहाँ पर सिक्सटीन सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था काबुल कांदाहर जो है ना वो सिल्क रूट से जुड़े हुए थे और इसमें एक हमें ट्रेडर के बारे में पता लगता है जीन बेप्टाइज ट्रिवर्नियर दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि जीन बेप्टाइज ट्रिवर्नियर कौन था ये एक डायमंड मर्चेंट था ये डायमंड का व्यापारी था और इसने एस्टिमेट किया था कि जो काबुल में है ना वो ट्रेड होता है लगभग तीन हज़ार सॉरी थर्टी थाउजेंड घोड़े जो एट काबुल अमाउंटेड टू रुपीज़ थर्टी थाउजेंड और डायमंड मर्चेंट एस्टिमेटेड देता हॉट स्ट्रेट एट काबुल अमाउंट टू थर्टी थर्टी थाउजेंड रुपीज़ एनुअली मतलब पूरे साल में खूब अच्छा खासा व्यापार होता है घोड़ों का और ये उस समय बहुत बड़ा व्यापार होता था जैसे कि आज हमें थर्टी थाउजेंड ज्यादा नहीं लगते बट उस समय पे बहुत बड़ा अमाउंट था ये और कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता था ड्राई फ्रूट्स लाने के लिए डेट्स कापेट सिल्क ठीक है काबुल से इवन फ्रेश फ्रूट्स ठीक है काबुल से इंडिया में पहुँचाए जाते थे और स्लेव्स को भी लाया जाता था, था सेल के लिए तो काबुल के बारे में बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट है ये यू में आया था कि हु वॉज जीन वेब प्राइस डॉ क्या उसको डायमंड के बारे में पता था तो ये ही नो अबाउट डायमंड बिकॉज ही वॉज अ डायमंड मर्चेंट तो ये इंपॉर्टेंट है अब ये देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर एक वीडियो में करेंगे तो एक घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू